हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स में कौन कौन आते हैं। देखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल होगा, इधर सेकंड आर्टिकल होगा। फर्स्ट आर्टिकल्स में हम लिखे देखेंगे, फर्स्ट आर्टिकल में जो फर्स्ट आर्टिकल होगा वो इनडिफिनिट आर्टिकल होगा, चाहे डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट पहला आर्टिकल जो होगा इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल। जो फर्स्ट वाला आर्टिकल होगा इनडिफिनिट आर्टिकल होगा। इनडिफिनिट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? इनडिफिनिट्स में आर्टिकल्स ए होता है या एन होता है, ए या एन दोनों आर्टिकल्स होते हैं, ए या एन। और जो डिफिनिट आर्टिकल होता है, डिफिनिट, DEFINITE, डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं, THE का, द का प्रयोग करते हैं। जो डिफिनिट आर्टिकल मतलब कि जो होता है वो निश्चित होता है, इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित होता है। एकदम प्रारंभ से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स के कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है। वहाँ पर देखिए आर्टिकल्स जो होता है, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे दो प्रकार आर्टिकल्स हमारा दो प्रकार के हो गए। कौन कौन आर्टिकल है? पहला आर्टिकल होगा हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होगा डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स में द का प्रयोग करते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए या एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। जैसे ए एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जैसे यूज, यूज ऑफ ए या एन, ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ये जो है हमारे ए और एन जो है इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल हैं, और इनका प्रयोग हम पढ़ेंगे। देखिए कहाँ पर किया जाता है? जब भी सिंगुलर नाउन हो, नाउन सिंगुलर हो, एक वचन हो उसके पहले, और नाउन काउंटेबल हो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं। इसका पहला नियम होगा जब भी नाउन सिंगुलर हो, जब रूल नंबर पहला होगा जब नाउन सिंगुलर हो, जब नाउन सिंगुलर हो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दिस इज ए बॉक्स, पहला रहेगा दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए बॉक्स, यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ए का। देखिए बॉक्स जो है कोई एक है, बता रहा है कि यह एक बॉक्स है, यह एक डिब्बा है, यहाँ पर इसलिए ए का प्रयोग है। नाउन हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। और बोल देगा दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, यहाँ पर पेन भी एक के लिए बता रहा है तो इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। और बोल देगा यह एक अंडा है, यह एक अंडा है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस इंग्लिश बनेगा दिस इज एन एग, एन EGG, एन एग, एन एग हो गया है। एन का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जब भी जिस नाउन के पहले ए ई आई ओ यू ये शब्द पांचों में से कोई भी आ जाए उनसे पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बोल देगी दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज एन एलिफेंट, ये दैट इज एन एलिफेंट मतलब हाथी जो है, हाथी में इंग्लिश उसका बोलता है एलिफेंट, एलिफेंट ई जो है इन पांचों अक्षरों में आया है ई का प्रयोग, इसलिए इसका प्रयोग एन, इससे पहले एन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देख लिए हैं कि जब नाउन सिंगुलर उससे पहले ए और एन का प्रयोग हो रहा है, आर्टिकल्स ए और एन का यूज हो रहा है। अब दे दे रूल नंबर दूसरा दे, ये रूल नंबर पहला था, रूल नंबर फर्स्ट।
अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर सेकेंड। अब रूल नंबर सेकेंड में हम पढ़ेंगे, देखिए जब नाउन हमारा प्लूरल हो, प्लूरल हो, जब नाउन हमारा प्लूरल है तब हम ए ए और एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हम जब हमारा नाउन रहेगा प्लूरल तब हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं दे दिया रहेगा कि ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, मान लीजिए ये लड़के हैं, तो इसका इंग्लिश क्या बनता है, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, मतलब ये लड़के हैं, ये सभी लड़के हैं। तो यहाँ पर बॉयज जो है नाउन हमारा है, प्लूरल आया है, इसलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है। और बोल देगा दीज आर टॉयज, दीज आर टॉयज, टॉयज जो है एक नहीं है, बहुत से हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है। अब बोल दे दोज आर पेंस, मतलब ये सब कलमे हैं, ये सब कलमे हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है। और बोल दे दोज आर गर्ल्स, मतलब कि वे सभी लड़कियां हैं, एक से अधिक लड़कियां हैं, जहाँ पर रहेगा उसमें ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर इतना चारों उदाहरण में दिया गया है, एक से बहुवचन है, मतलब प्लूरल नाउन रहेगा, उनसे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है। ये दूसरा रूल है, ये हमारा दूसरा रूल नंबर रहेगा। और रूल नंबर तीन देखिए, रूल नंबर तीन क्या होता है, जब नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो, रूल नंबर तीन हमें बताएगा जब नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल, जब हमारा नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो, रूल नंबर तीन रहेगा, जब हमारा नाउन जो रहेगा जिसकी हम नाउन की गणना नहीं कर सकते हैं, उसके पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, जब हमारा नाउन जो रहेगा अनकाउंटेबल रहेगा तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे में क्या रहेगा, दे दिया रहेगा कि यह पानी है, दिस इज वाटर, यह पानी है, दिस इज वाटर, ये पानी है, इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है, न कि इस तरह रहेगा, दिस इज ए वाटर, इस तरह रहेगा तो गलत हो जाएगा। और दे देगा दिस इज गोल्ड, यह सोना है, न कि इस तरह रहेगा, दिस इज ए गोल्ड, न कि इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, ए लगा रहेगा तो ये गलत माना जाएगा, न कि बोल दे कि दैट इज आयरन, बोल दे, मान लीजिए दैट इज आयरन, वह एक लोहा है, तो ये भी गलत माना जाएगा, इस तरह रहेगा डैट इज आयरन तब सही रहेगा, dat is iron, डेट इज आयरन, अगर इस तरह रहेगा तब सही माना जाएगा, ये सब सही है और ये सब गलत है, जिसमें ए और एन का प्रयोग रहेगा उस वो सब गलत रहेंगे। कहाँ से कि ये नाउन जो होगा, हम न तो पानी को गिन सकते हैं, न ही सोना को गिन सकते हैं, न ही लोहा को गिन सकते हैं। ऐसे उदाहरण जैसे मान लीजिए पान दूध हो गया, बालू हो गया, चीनी हो गया, इन सबको हम गिन नहीं सकते हैं, उनसे पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये रूल नंबर तीन था। देखिए रूल नंबर अब हमारा चार रहेगा, जब नाउन का लोप हो, मतलब नाउन उसमें नहीं रहे, नाउन नहीं रहे, तब हम उसके स्थान पर ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब नाउन का लोप रहेगा तब हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जब नाउन का
लोप हो, लोप मतलब गायब हो, जब नाउन का लोप हो तो ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे बोल देगा मोहन इज ऑनेस्ट, बोल दिया मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन इज ऑनेस्ट, क्या यह सही है? हाँ ये सही है, क्योंकि ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कह देगा कि मोहन इज एन ऑनेस्ट, मोहन इज एन ऑनेस्ट इस तरह कह देगा तो इसका मतलब ये गलत होगा। काहे से कि एन का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नाउन का लोप हो रहा है, न कि इससे पहले बता रहा है कि मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन, एक आदमी, एक ईमानदार आदमी है, चाहे मोहन इज ए ऑनेस्ट बॉय, ये सब आगे नहीं बता रहा है, इसलिए ये गलत है। इसी प्रकार देख लीजिए, दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है, न कि इस तरह कह दे दिस बॉय इज ए गुड, दिस बॉय इज ए गुड इस तरह कह देगा, यह एक अच्छा लड़का है, तब इसमें क्या माना जाएगा, यह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर हो सकता है ये सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का के बारे में दिया है। अगर इस तरह रहेगा बॉय बॉय इज ए गुड, अगर इस तरह रहेगा बॉय इज ए गुड रहेगा तब तो यहाँ पर गलत माना जाएगा। और दे दे मान, माई मदर इज काइंड, माई मदर इज काइंड, मेरी माँ दयालु है, इसका हिंदी बना मेरी माँ दयालु है, तो ये मान लीजिए सही है। इज और एन का प्रयोग नहीं हुआ है तो सही है। अगर इस तरह दे दे माई मदर इज ए काइंड, अगर इस तरह दे दे तो ये गलत माना जाए, काहे से कि यहाँ पर नाउन का लोप हो रहा है। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 5 है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और आर्टिकल का प्रयोग, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। मतलब आर्टिकल का प्रयोग जो करेंगे एडजेक्टिव के पहले, और एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब के पहले करेंगे, और कुछ नहीं। देखिए जैसे बोल देगा दिस इज ए कैट, बोल दिया दिस इज ए कैट, ये सीधा सीधा है, नाउन के पहले प्रयोग हो गया है, ए का प्रयोग, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हो गया, आर्टिकल ए है हमारा, यहाँ पर हो गया, बोल दिया अभी यहीं पे दिस इज ए ब्लैक कैट, यह एक काली बिल्ली है, दिस इज ए ब्लैक BLAC, ब्लैक कैट, दिस इज ए ब्लैक कैट, मतलब यह एक काली बिल्ली है, यहाँ एडजेक्टिव प्रयोग हो गया, और एडजेक्टिव पहले एडवर्ब क्रिया विशेषण वाला शब्द आ जाए, जैसे दिस इज ए वेरी ब्लैक कैट, यहाँ पर इस तरह आ जाए तो हमारा एडवर्ब के पहले भी और एडजेक्टिव के पहले भी हमारा आर्टिकल प्रयोग होगा। अगर बोल दे आपको कि ही इज ए मैन, वह एक आदमी है, ही इज ए मैन, वह एक का है आदमी है, बोल दे जाएगा अभी ही इज ए ब्लैक मैन, ही इज ए ब्लैक मैन, वह एक कैसा आदमी है, काला आदमी है, और बोल देगा ही इज ए वेरी ब्लैक मैन, ही इज ए वेरी ब्लैक मैन,
यहाँ पर देखिए भेरी के पहले भी हमारा एक प्रयोग हुआ है, ब्लैंक के पहले भी एक प्रयोग हुआ है। जो भेरी है हमारा यहाँ पर एडवर्ब काम कर रहा है, एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है, और ब्लैंक जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग अपने प्रयोग कैसे करते हैं, अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार करते हैं। रूल नंबर हमारा जो है 6 नंबर है, जो ए और एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार करते हैं। जैसे एक रहा है, जिसे इसका एग्जाम्पल रहेगा सीता इज ए गर्ल, सीता क्या है एक लड़की है, सीता इज ए गर्ल। यहाँ पर ठीक ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार प्रयोग हो रहा है। ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे दे दिया सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, अभी दे देगा सीता इज ए गुड गर्ल, गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर दिया सीता एक लड़की है, यहाँ पर दे दिया सीता एक अच्छी लड़की है, और दे देगा सीता इज एन एक्सट्रीमली, सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर इस शब्द के एक्सट्रीमली से पहले ई का प्रयोग हुआ है, जिस भी शब्द के पहले ए ई आई ओ यू आए उनसे पहले एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। अभी दे दे सीता एक अत्यधिक सुंदर लड़की है, बोल दे सीता इज ए वेरी वेरी गुड गर्ल। यहाँ बोले सीता एक बहुत अच्छी लड़की है, यहाँ भी ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार ए और एन का प्रयोग हो रहा है। ये रूल नंबर हमारा 6 था। देखिए अब हम रूल नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 7 जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, रूल नंबर 7 होने वाला है। जैसे देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है, जो हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर और व्यंजन, हिंदी में व्यंजन स्वर जो होता है ओ आ छोटी बड़ी छोटाऊं बड़ाऊं, ये सभी होते हैं जो हिंदी में स्वर होते हैं, और क से ज्ञात क ख ग घ अंगा, ये सब जो हैं व्यंजन होते हैं। हमें यहाँ पर ए और एन का प्रयोग जो हिंदी में स्वर आते हैं उन्हीं के उच्चारण के अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे। जहाँ हिंदी का उच्चारण ओ आ ई छोटी बड़ी इन सब में आए वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ क ख घ आए व्यंजन आए वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बोल देगा यूनिवर्सिटी, 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 अब बोल देगा एम ए, एम ए, बोल देगा बी ए, एल एल बी, एल एल बी, यूनिवर्सिटी इधर बोल दिया है, और बोल दे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोल दे तब कौन कौन सा शब्द प्रयोग होगा, और बोल दे अनिक्यूसाइटी, यू एन आई क्यू यू ई एस आई जी एस टी, अनिक्यूसाइट बोल दे, यूनिट बोल दे, यूनिट बोल दे, यंग मैन बोल दे, यंग मैन बोल दे, यंग मैन बोल दे, तो इनसे पहले का प्रयोग होगा, और बोल दे यू के,
यूके बोल दे, वीडियो बोल दे, वीडियो बोल दे, और बोल दे हम्बल मैन बोल दे, हम्बल मैन बोल दे। और देखिए यहाँ पर MABALLB और MLA बोल दे, और बोल दे MSC बोल दे, SDO बोल दे, SDO बोल दे, SDO बोल दे, और IAS बोल दे, IAS बोल दे, और LP बोल दे, LP, और ऑनेस्ट मैन बोल दे, ऑनेस्ट मैन बोल दे, आवर बोल दे, HOUR, आवर बोल दे। तो इनसे पहले देखिए HOUR, आवर बोल दे, इनसे पहले कौन कौन सा शब्द होगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी इस तरह हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा। जो यह है ये व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले ए का प्रयोग करेंगे। और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी हमारा इस तरह लिखाता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इस तरह लिखाता है, तो यह है इससे भी पहले ए का प्रयोग कर देंगे। देखिए अनिक क्यू साइट बोल रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, यूनिक साइट, यूनिक मतलब यूनिक इस तरह लिखा जाएगा, यूनिक साइट, तो ए का प्रयोग होगा। यूनिट बोला है, य से शुरू हुआ है, ए का प्रयोग होगा। यंग, ए से शुरू होगा। यूके, यूके, यूके इस तरह शुरू होगा, ए लगेगा। बी बोला है वीडियो, व से शुरू हुआ है इसलिए ए का प्रयोग होगा। ह से शुरू हुआ अम्बल, ए से शुरू होगा। यहाँ पर देखिए एम ए, इसको एम ए लिखेंगे, एम ए, देखिए एम ए से एली, ए से शुरू हो रहा है, इसमें ए आएगा स्वर में, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। बी ए, ए का प्रयोग करेंगे, बी से शुरू हो रहा है, और ए, ए बी, एल एल बी, उच्चारण जब हमारा हिंदी के स्वर से मिलता जुलता रहेगा उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी एन का, एम एल ए, एन का यहाँ भी प्रयोग होगा। एम एस सी, एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। आवर, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन नहीं होता है, ऑनेस्ट मैन होता है यहाँ पर, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट होता है इसलिए एन का प्रयोग होगा। आवर, यहाँ आवर नहीं होता है, यहाँ पर एन होता है, आवर होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमारा 7 गो नियम खत्म हुआ है। अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा, आपको अगली बार में हम द का प्रयोग कैसे कहाँ होता है उसको बारे में बताएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।